अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु। आज मैं कोकनी डिश ढेबरा बना रही हूँ। लो मैंने गोशैला ली हूँ, कोकनी में इसको गोशैला बोलते हैं और उर्दू में इसको तुरई बोलते हैं। हाँ, तो आधा किलो में से इतना रखी आपको दिखाने के लिए। हाँ, बड़ा बड़ा गोशैला इधर मिलता नहीं है, इसलिए मैं छोटा ली हूँ, बहुत ढूंढी नहीं मिला। ये देखो, उसको मैंने वो खींच के ली हूँ। इसको मैंने छिलटा निकाली इसका, और इसका छिलटा निकाल के इसको मैं खौनी पे खींच के ली हूँ। ये देखो ऐसा खींचने का, ये देखो ऐसा खींच के ली हूँ बारीक। और एक एक कप भर के चावल भिगाई थी सुबह, हाँ उसके अंदर ये खींच के ये भी भिगाई हूँ। हाँ, अभी इसको पीसने का है मिक्सर में। और एक वाटी इसमें एक वाटी आधा किलो ही तुरे है, उसमें एक कप चावल है, और ये एक कटोरी भर मतलब प्याली भर गुड़ है, उसको काट के ली हूँ। काला गुड़ है ये, हाँ ये काला गुड़ रहता तो सब लोग खा सकते हैं, सफ़ेद गुड़ में डायबिटीज रहती है वो नहीं खा सकते, इसलिए सबने खाने के लिए ऐसा काला गुड़ लेने का। ये खोपरा है दो चम्मच, और ये तीन इलायची है इसको पीसने का है, और ये थोड़ी सी बरीशोफ है, और ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, और ये थोड़ा सा कांदा है, और ये चुटकी भर नमक है। ये कांदा ये खोपरा पीसने का है, और ये भी पीसने का है, और पीसने के बाद ये इसमें मिक्स करने का है। मिक्स करने के बाद इससे बगाड़ देने का है। बगाड़ दे के फिर अभी गांव में चूल्हे पे बनाते थे, ऊपर अंगार जलाते थे, तो इधर गांव तो है नहीं, इधर चूल्हा तो है नहीं, तो इधर हम लोग ये ओवन में बनाएंगे। ये देखो अभी ये सब डाल के पीसने का है। हाँ, अभी मैं ये सब डाल के पीस रही हूँ। ये देखो अब ये नमक भी डालेंगे इसमें, हाँ एक कांदा भी डालेंगे इसमें, हाँ और ये खोपरा है, हल्दी है, बरीशोफ है थोड़ी सी, और तीन इलायची है, ये भी अंदर डालेंगे, पूरा पीस डालेंगे, और एक गुड़ भी डालेंगे अंदर, क्योंकि गुड़ पिघलते टाइम लगेगा ना इसके लिए। अभी ये सब पीस के आपको बताएंगे। ये देखो अभी ये बेकिंग पाउडर डालने की एक चम्मच भर के, देखो पीस के ऐसा हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। अभी देखो ये है ना बेकिंग पाउडर, एक चम्मच डाल के हिलाई, अभी दो चम्मच भर के घी डाल के उसको बगाड़ेंगे, और बगाड़ने के बाद ये तो चूल्हा नहीं है होने के लिए, उसको ओवन में रख के बनाएंगे। एक कोकनी डिश है, ढेबरा बोलते हैं इसको, हाँ इसका घोसई लेकर ढेबरा, अभी इसमें तुरई बोलते इसमें अपनी हिंदी में उसको तुरई बोलते। ये देखो अभी ये घी डाल रहे हैं, अभी ये घी डालेंगे ना, अभी इसको उसके अंदर बगाड़ देंगे, घी गर्म हो गया ना कि बगाड़ देंगे। अभी ये इसमें एक घी में ये डाल देंगे, और फिर इसको कुकर में बना सकते हैं, आप कुकर में भी बना सकते हैं, आप कुकर में भी ट्राई करो। मैं कुकर में रवा केक बताई हूँ, आप वैसा देखो, और ये कुकर में भी बना सकते हैं। ओवन में अभी हम डाल रहे हैं इसलिए कि हमको जल्दी है, ज़रा मेहमान आ रहे हैं ना इसलिए जल्दी है, इसलिए हम अभी ओवन में बना रहे हैं, नहीं तो कुकर में बनाने वाले थे। हाँ ऐसा कुछ नहीं, कुकर में भी बन सकता है, ओवन में भी बन सकता है। अभी देखो इसको हिलाएंगे और इसमें डाल देंगे, हाँ डब्बे में डालेंगे और ओवन में रख देंगे। देखो कैसा घट हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। हिलाते रहने का, गुटली होने देने का नहीं इसको, हाँ देखो ऐसा हिलाते रहने का। हाँ आपको अगर मीठा और चाहिए तो और डालो उसमें मीठा, कोई बात नहीं। ये देखो ये है ना, एक कप चावल नहीं है, ये दो कप चावल है, और एक कप वो है गुड़ है उसमें, आपको बताई भूल से एक कप, ये दो कप चावल है। हाँ दो कप चावल भिगाओ, और उसमें वो आधा किलो गोशैला तुरई छील के खींच के डालो और पीसो उसको, और मसाला आपको बताई वैसा पीसो। अभी हम इसको कुकर में डालेंगे, आपको बनाने के बाद बताएंगे।
मेरी माँ अंडा डालती थी इसलिए मैं भी अंडा डाल रही हूँ। तुम लोग डालते क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं डाल रही हूँ। इसलिए मेरी माँ डालती थी ना, इसके लिए मैं अंडा डाल रही हूँ। ये देखो ये अंडा ऐसा फेंटने का, और ये देखो इसको ऐसा घी लगाने का। घी लगा के ये देखो मैंने घी लगाई है, घी लगा के उसके अंदर मैदा छिड़कने का, हाँ तो चिपकेगा नहीं। और ओवन में डालने का है, हाँ मैं कुकर में नहीं अभी डाल रही हूँ, मैं ज़रा टाइम नहीं है मेरे को, इसलिए कुकर में नहीं डाल रही। आप कुकर में बनाओ, ओवन में बनाओ, बनेगा। ये देखो ये अंडा डाली इसमें, अभी मिक्स कर, ज़रा टेस्ट बढ़ जाएगा अंडा डालने से। मेरी माँ डालती थी अंडा, इसके लिए हमने डाले। अभी ये लोग दूसरे लोग डालते कि नहीं मेरे को मालूम नहीं बराबर, इसलिए हाँ कोई डिस्प्ले करना नहीं मेरे को, क्योंकि मैं बराबर बना रही कुकिंग डिसलाइक डिस्प्ले करना नहीं मेरे को, क्योंकि मैं बराबर बना रही और बोल के बना रही, अच्छा बना रही, अच्छा टेस्टी। आप लोग इधर रहते खाते तो आपको मालूम पड़ता। आप बनाओ खाओ और मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये देखो अभी इसमें ओवन में डालने के लिए इसमें जमा रहे, फिर आप ये देखो ऐसा इसको ऐसा करने का। और अभी ओवन में रखती, अभी मैंने ये बादाम लगा के सजाई हूँ, अभी इसको ओवन में रख रहे। और ओवन में रख के ये आधा पक गया है, 180 डिग्री पे रखेंगे 20 मिनट, और फिर निकालेंगे और आपको बताएंगे छुरी के बना है कि नहीं, छुरी लगा के बता देंगे। 25 मिनट लग गए, ये देखो केक बन, ये बन के तैयार है, अपना ढेबरा बन के तैयार है, केक की तरह एकदम बन गया है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो अब इसको निकालेंगे, ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ पलटी अभी मैं, ये देखो कैसा हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। ये मैंने ओवन में बनाई, 25 मिनट लगे ओवन में बनाई। आप कुकर में भी बना सकते, जैसा मैं आपको बताई उसके बाद आप कुकर में डाल के बना सकते हैं। अभी मैं ओवन में बनाई, अभी इसको मैं पलट के बताती आपको, ऐसा बताई हाँ पूरा हो गया। ये देखो पलटी, अभी ये ढेबरा बन गया फर्स्ट क्लास, कोकनी डिश है ये, फर्स्ट क्लास ढेबरा बन गया। देखो पलट के कैसा दिख रहा है वो ढेबरा, कोकनी डिश बन के तैयार है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज़।